हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ एवरी यूथ पिलो मास्क के बारे में फुल डिटेल। 15 मिनट का फेशियल ग्लो देता है ऐसा इस पर लिखा हुआ है, एंड ये गोल्डन ग्लो पिलअप मास्क है। एवरी यूथ नेचुरल एडवांस गोल्डन ग्लो पिलअप मास्क है, 24 कैरेट गोल्ड इसमें ऐसा लिखा हुआ, नेचुरल ग्लोइंग स्किन। तो इसको अप्लाई करेंगे, फुल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कल मैं लाइव में आई थी तो मैंने इसके बारे में बताया भी था, तो आज सारी डिटेल क्लियर होने वाली है कि इसको लगाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, कैसे कैसे आपको इसको यूज करना है, और रियल में ये आपके फेशियल हेयर को रिमूव करता है या नहीं करता है, सारी चीज़ें पूरी डिटेल में, और कितना ग्लो आता है, क्या है, सब कुछ इसके बारे में क्लियर होने वाला है। तो वीडियो होने वाली काफी ज्यादा हेल्पफुल, वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको पार्लर जाने में दिक्कत हो रही है या फिर किसी वजह से नहीं जा पाए हो, तो आप इसको कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है कि आपको नुकसान भी ना पहुंचे, ये ग्लो अच्छा दे। तो अभी फेस को अपना नॉर्मल अच्छे पानी से वॉश कर लेना है, और उसके बाद डायरेक्टली मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहो तो क्लींजिंग मिल्क का भी यूज कर सकते हो। तो अप्लाई करते हैं, इसको सुखाने के लिए इस पे लिखा हुआ है 15 मिनट का वेट करना है। तो इस तरीके से मैं हाथों पे ले लिया मैंने इसको, पहले मैं अपने फोरहेड पे लगाऊंगी, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा लेयर लगाना है ताकि इसको रिमूव करने में, मोटा नहीं बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं लगाना, नहीं तो ये सूखेगा नहीं जल्दी और बहुत टाइम लग जाएगा आपको इसको रिमूव करने के लिए। तो 15 मिनट में अगर सुखाना है तो इतनी मोटी लेयर लगाइएगा, और आईब्रो पे ना लगे, नहीं तो ये आपकी आईब्रो भी रिमूव कर सकता है। और शिट, और इसको नहाने से पहले ही यूज कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इधर उधर गिरता है, फिर लग जाता है पूरे कपड़े वगैरह पे। सारी चीजें पूरा डिटेल में बता रही हूँ, इसको बहुत ज्यादा मोटा लेयर लगाने की जरूरत नहीं है, पतला लेयर आप लगा सकते हो। तो इस तरीके से पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे, नोज पे भी ब्लैक हेड से रिमूव करता है या नहीं, सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। आईज में भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है, आंखों में थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है, और बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा सा फेस हो जाता है इसको लगाने के बाद, तो बहुत रिलैक्स भी हो जाएगा फेस आपका। इस तरीके से पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। अब हम लोग वेट करेंगे इसको लगाने के बाद से 15 मिनट का। नोज पे थोड़ा सा और लगा ले रही हूँ, अब इसको हम लोग सूखने देंगे। सूखने के बाद 15 से 20 मिनट तक रखेंगे, 15 से 20 मिनट में ये सूख जाएगा। उसके बाद कैसे रिमूव करना है सारी चीज़ें बताती हूँ, एंड रिमूव करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी सारी चीज़ें। तो वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा। अब इसको हम लोग छोड़ देंगे सूखने के लिए, फिर मिलते हैं 15 मिनट के बाद, और कैसे रिमूव करना है, क्या है, सारी चीज़ें क्लियर करते हैं आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अप्लाई किया था एंड बहुत अच्छे से सूख चुका है, बिल्कुल भी बोला भी नहीं ज़्यादा है, और सूखने के बाद ये बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा, रिमूव करने में कोई दिक्कत नहीं है इसको। एंड पूरा रिमूव करके दिखाती हूँ क्या क्या दिक्कत है, कि पूरा इतना टाइट हुआ कि पूरा स्किन ऐसे खींच गई है पूरी पूरी तरीके से। एंड चलिए इसको रिमूव करके देखते हैं कि कैसा रिजल्ट है इसका। तो चलिए, तो यहाँ से मैं इस तरीके से इसको रिमूव करना स्टार्ट करूँगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर है तो आपको थोड़ा सा पेन भी फील हो सकते हैं।
तो इस तरीके से आराम आराम से आपको निकालना है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन फील हो स्किन को नीचे की तरफ से खींच लीजिएगा ऐसे, और उसके बाद से धीरे धीरे इसको रिमूव कीजिएगा। तो इसमें देखते हैं फेशियल आए हैं या नहीं। फेस तो बहुत सॉफ्ट दिख रहा है। ओ गॉड, फेशियल हेयर रिमूव करता है भाई ये। अगर फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए लगा रहे हो तो लगा सकते हो। पूरा मास्क की तरह ये इजीली निकल जाएगा। देखिए आईब्रो पे अगर ये लगी तो आईब्रो चली जाएगी, तो अगर आईब्रो पे लग जाए गलती से तो इस तरीके से पकड़ के और रिमूव कीजिएगा, नहीं तो आईब्रो निकल सकती है आपकी। यहाँ पे सूखा नहीं था तो ये अच्छे से नहीं निकला है, तो सुखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं इसमें देख रही हूँ फेशियल हेयर बहुत सारे आए हैं, आपको भी दिखाती हूँ। आई थिंक कैमरे में शायद नहीं दिख रहा है, लेकिन फेशियल हेयर रिमूव हो रहे हैं इससे, और आप इसको ट्राई कर सकते हो फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए। मुझे तो बहुत ज़्यादा अपर जिस वगैरह की प्रॉब्लम है नहीं, बट जितने भी थे वो निकल गए हैं। और हाँ, पूरा नहीं निकलते हैं, 100% नहीं निकलते हैं, 50% ही आपके हेयर को निकाल सकता है, एंड बहुत ज़्यादा ग्रोथ है तब तो। ओके, आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। ध्यान दीजिएगा लगाते टाइम यहाँ पर ज़्यादा ना लगे, एंड आपका जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा हेयर है वहाँ पर ज़्यादा लगेगा तो आपको पेन हो सकता है इससे, और बहुत इजीली पूरा रिमूव हो गया है अच्छे से, बस ड्राई होने की देरी थी। तो कैसा लगा वीडियो, आई होप कि पसंद आया हो, और कैसे अप्लाई करना है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया हो, कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम मैं आपको और भी अच्छे से समझा दूँगी। ये देखिए मेरे चेन में चिपक गया था, तो ग्लो की बात करें तो आपको दिख रहा होगा अच्छा खासा ग्लो है, थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, फेशियल जैसा तो नहीं, लेकिन ग्लो आ रहा है इससे, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, तो ये अच्छा है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।